अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निशा कुज़ीन एंड व्लॉग्स। और आप देख रहे हैं नानों बनना इतना आसान काम नहीं है जी। ये मेरी गोद में क्या है, अ डे विद माई ग्रैंड सन। एक दिन जियो के साथ नहीं, एक दिन नानों के साथ। तो देखिए मेरी बेटी ने असल में जाना था। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच। और मेरे बालों का भी हाल देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल नानों का टाइम नहीं मिलता कि हेयर डाई करे, है ना। तो सबसे पहले आपका सबका बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। और सारा गंद आपको दिखा रही हूँ, खलारा सब पड़ा हुआ है। और जिन्होंने नहीं किया काइंडली कर लीजिए, होपफुली आपको मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो कैसे हैं आप सब? और आपको बता रही थी कि मेरी बेटी की असल में वैक्सीनेशन नहीं हुई थी ना, लगवाई थी उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सेफेस्ट यही था, हमें भी यही समझ आई और डॉक्टर ने भी यही कहा था सेफेस्ट है। तो इसलिए अभी वो गए हैं, उसका वैक्सीनेशन डे था, फर्स्ट डोज उसको लगनी थी तो वो गए हैं। यहाँ पे कल तो -14 था, अभी सुबह शो हो रहा था -7। तो मैंने कहा इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो बच्चे को छोड़ जाएं। मेरे पास नानों का जो शहजादा है वो नानों के पास रहेगा और आप लोग जाएं अपना काम करके, देर नहीं लगेगी, करीब ही है, जल्दी आ जाएंगे। इस दौरान ना सोया हुआ था तो अभी उठ गया, पहले सो रहा था माशाल्लाह बीबा बच्चा, लेकिन रात को बीबा बच्चा नहीं रहता बिल्कुल भी। ये आप बताइएगा कि सबके साथ ऐसा होता था, बच्चे रात को जागते हैं दिन को सोते हैं, है ना। जो ही माँ के खाने पीने सोने जागने का टाइम, सोने का टाइम आता है ना, तो बस जे पटक करके उनके आँख खुल जाती है। सबके साथ 25 साल का तजुर्बा पहले का मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, भूल गई हूँ। अपने बच्चों को जो पाला था, और यकीन माने मेरी तो ना सास ना माँ, बिल्कुल अकेले पाला था बिल्कुल। और बहुत कम एज में शादी हो गई थी, और जल्दी जल्दी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने नवाज दिया था बच्चों से, और बहुत ही ना। लेकिन यह कि हर कोई जब सुनता है तो, और मामना खुद भी यही कहती है मेरी बेटी के, अल्हम्दुलिल्लाह मामा मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप हैं मेरे साथ। तो चले अभी सब कुछ संभालना संभालना तो बाकी है, जल्दी हो जाएगा। मैंने फिलहाल आटा गूंदा और भिंडियाँ निकाल के रखी कि चले, कल गोश्त चिकन भी ले आया था मेरा दामाद, लेकिन आज मेरा इरादा है कि जल्दी भिंडी बन जाएगी। नमाज का भी टाइम हो जाएगा, अभी हुए हैं पौने बारह हुए हैं ना दिन के, तो बिलीव में 12:15 तक वो तो क्या करें, इतना छोटा सा काम है। आपको दिखाती हूँ, स्नो तो पड़ी ही रहती है, अब क्या रोज़ रोज़ मैं आपको कहूँ कि आपको स्नो दिखाती हूँ। पता ही है कि स्नो वाली कंट्री है तो स्नो तो होगी, लेकिन एनी वेज अभी मैंने कर्टन्स हटाए नहीं, मेरा दामाद उठ के हटाता रहता है, लेकिन अभी चले गए हैं वो लोग, तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखिए ज़रा, ब्लाइंड नहीं हटाए, सिर्फ कर्टन हटाए हैं। ये देखिए ज़रा क्या आलम है स्नो का, है ना। और 2 बजे ऐसे अंधेरा होता है जैसे पता नहीं हमने कितनी रात जाग के गुजार लिए। देखते हैं फिर, जितना भी मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर सकी करूँगी, वादा नहीं करती पूरे दिन का। कई दफ़ा होता है कि बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया जा सकता कैमरे को ना। तो ये मेरा देख अनार दिखाने लगी हूँ, मेरा कल दामाद, तो ये देखे माशाल्लाह से एक एक अनार कोई मेरे ख्याल में होगा आधा आधा किलो, कितने का होगा बताइएगा। भिंडियाँ निकाल के रखी हैं, इसमें आटा गूंदा था पहले, आटा मैंने फ्रिज में रख दिया है, और ये पंजीरी मैंने जो बनाई थी जार में, 2 जार्स में आ गई है। और मेरी बेटी ना बस कुछ ना पूछें आप, ये चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया जितना हो सका, और बस अभी तो करना है साफ किचन ना, अभी काफ़ी सारा। और माशाल्लाह मेरी बेटी इतनी सफाई पसंद है ना, कि उसे ये हो रहा है कि मेरा किचन गंदा है, मेरा ये गंदा है, मेरा वो गंदा, मतलब घर की उसे पड़ी हुई है। मैंने कहा नहीं अभी तुम ना रेस्ट करो, क्योंकि जब तक मैं हूँ मैं चली जाऊँगी तो तुमने खुद ही करना है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी जब तक मैं हूँ माँ की फ़ायदा उठाओ, है ना। माएँ तो इसीलिए होती है, तो आप गपशप करने का दिल कर रहा है, क्योंकि और तो मेरे ख्याल में कुछ आपको दिखा पाऊँ ना पाऊँ। कुछ बेबी की मैंने जो चीज़ें ली थी हमने वो दिखा दूंगी। प्रेम तो अभी खोली ही नहीं, नीचे पड़ी है ना, ये सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो प्रेम अभी खोली नहीं, क्योंकि इतनी बर्फबारी है, जाना तो होता नहीं कहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा डॉक्टर के लेके गए थे, तो डॉक्टर के जो लेके गए थे वो भी कार सीट में, और बस एक दफ़ा जो चेकअप जाना चाहते, तो इसलिए प्रेम अभी नहीं खोली। जब वो खोलूँगी आपको दिखा दूँगी मैंने क्या गिफ्ट दिए थे। और फिलहाल जितना भी है ना, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बने हुए थे, शॉर्ट्स मेरी आपने देखी होगी,
उसमें जो है ना वो स्टैंड का सिर्फ मैंने बताया था, बाथ टब भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि होता है ना कि बेबी के लिए बहुत सारे लोगों ने कुछ लेना हो अगर तो वो ले लेते हैं ना, इस तरह उन्हें आइडिया मिल जाता है कि क्या चीज़ कैसी है, उसका रिव्यू भी दूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं। तो आपको मैं जब बताऊंगी थोड़ा थोड़ा है जो भी कुछ था, तो कॉट तो इसकी है मैं आपको अभी दिखाती हूँ, लेकिन बिल्कुल सोना वो सोता नहीं माँ बाप को सही तंग करता है, कहते अपने बीच में सुनाए मुझे रात को तो खैर वो दोनों ही जागते हैं, मैं सो जाती हूँ, बस दिन को मेरे पास ही होता है तकरीबन, काम करो फिर उठाओ, काम करो फिर दूध ये वो पेपर, इतना छोटे बच्चे का तो आपको पता ही है अच्छा अभी तो सो रहा है तो मैं स्लिट आने की भरपूर कोशिश करती हूँ, अगर सो गया तो सो गया, नहीं सोया तो फिर जगा लूँगी, रूम में जाती हूँ लिटाने की कोशिश करती हूँ। ये माशाल्लाह से इसकी कॉट है, जो कि इसका क्या हशर नशर हुआ दिखाती हूँ, अब कुछ बाकी पड़ा है लेकिन इसमें बेबी नहीं है, अल्लाह करे अब सोता रहे ताकि नानू कुछ काम कर ले, चले मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे कहा था भिंडियाँ मैंने निकाल ली थी, तो मैं निकाल के रख लेती हूँ, इसको धो लेती हूँ, आटा मैंने गूंद लिया है, दाल भी पकी हुई है। मैं ये टिप सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे तो ग्रोन अप हैं, लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई हेल्प के लिए नहीं था सिवाय मासी के, मासी तो आती थी काम करके चली जाती, बच्चे को तो खुद ही देखना, खाना खुद ही बनाना, बाहर का खाना नहीं ज़्यादा पसंद करते थे, रोटियां ले आते थे लेकिन सालन तो खुद ही बनाना, चावल बनाने हैं, तो इसलिए मैं वो टिप्स दे रही हूँ आपको न्यू मदर्स जो बनने जा रही हैं या जिन बन चुकी हैं, कि अपने टाइम को बचत कैसे करें, नमाज को भी देखना है, घर को भी देखना है, बाकी सारे काम बच्चे जल्दी से जो आपको टाइम मिलता है, एक तो अपनी नींद पूरी करें, डॉक्टर भी यही कहते हैं और मैं भी यही रिकमेंड करूँगी, जब बच्चा सोए अगर माँ का कोई काम नहीं है तो फटाफट सो ले, चाहे 10 मिनट की नैप ले लेकिन सो जाए। तो भिंडियाँ धो लेती हूँ, वॉश करके रख देती हूँ, आटा गूंथ लिया, फिर नमाज़ पढ़ लूँगी, जब तक बच्चे आ जाएंगे तो उन लोगों सुबह लेंगे मेरे नवासे को और मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, नहा धो लूँगी, तो ऐसे टाइम सेव करना चाहिए। चलिए जल्दी से धो लेती हूँ इससे पहले कि जाग जाए और मेरे सारे मनसूबे खाक में मिल जाए। मैं भी बताती हूँ आपको, इधर मेरी तरफ मुड़ जाए तो बताती हूँ, भिंडियाँ 3-4 पानियों से लाजमी, जिस तरह मैंने एक दफ़ा मल मल के धोया ना, 3-4 पानियों से लाजमी निकालें और फिर इस तरह के स्ट्रेनर में रख दें, जब ड्राई हो जाएंगी थोड़ी देर में तो बाकी कप कटिंग वटिंग ये वो कर लें, नहीं भी होती टिश्यू से टैप करके ड्राई करके पकाइएगा, वरना वो लेस बहुत अजीब सी लगती है, मुझे तो मेरे बच्चों को नहीं पसंद। तो चलें बाकी की भिंडियाँ भी धो लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। चलो जब भिंडियाँ वॉश कर ली, अब मैं क्या कहती हूँ कि जब तक मेरे पास टाइम है नमाज के लिए, अगर नमाज के दौरान बच्चा उठ भी जाए तो मेरे ख्याल में हम सलाम फेर के, मुझे कोई बताइएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर अकेली है माँ क्या करें, अगर बच्चा जाग जाता है नमाज के दौरान तो वो क्या करें, मुझे बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे वाले साहब हमेशा कहा करते हैं कि जाहिल रहने से बेहतर है कि पूछ लिया जाए जिस बात का ना पता हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर बच्चा सो रहा हो चुकी है, घर में कोई और है भी नहीं, ये भी सो रहा है, उसका नमाज का भी टाइम हो रहा है, नमाज को भी कज़ा नहीं करना चाहती, अल्लाह का हुक्म तो पहले है ना, तो फिर उसको क्या करना चाहिए ज़रूर बताइएगा। नमाज क्लॉक पे देखें अभी 12 है, मेरे पास टाइम है, नहा तो मैं सकती नहीं ना, अगर नहाऊंगी तो खुदा नास्ता जाग जाए, पीछे इसके कपड़े भी डालने में सब खिलारा पड़ा, यह संभाल लेती हूँ ठीक है। अच्छा जी, ये थोड़े बहुत जो इसके दो ब्लैंकेट्स तो थी, क्योंकि बच्चों के तो रोज़ ही धुलते हैं ये कपड़े जो लपेटने वाले होते हैं स्वेडल करने वाले, और ये थोड़े से इसके बिब वगैरह और ये थोड़े कपड़े जो मैं इसके अब कबर्ड में रख लेती हूँ, संभाल लेने हैं मैंने। करते रहो तब भी वही हाल है ना, सेट करो तब भी वही हाल है, ये कर्टन आगे आ रहा था आपको, ये इसकी कबर्ड है जिधर कपड़े रखते हैं और ऊपर का आपको सेक्शन पता ही है, बस बच्चों वाले घर यही हाल होता है भाई। ये इसकी चीज़ें हैं, ये फीडर का जो जितना भी था इसका, ये भी मैं बड़ी अच्छी है ब्राउन्स कंपनी, मेरे नवासे ने तो मतलब पिया ही नहीं ना मेरी बेटी का उसका दूध, तो ये कुछ टॉयज़ रखे हैं जो कि अभी मेरा नवाशा नहीं खेल सकता, बस बहुत सारे माशाल्लाह गिफ्ट्स बहुत कुछ मिला,
बहुत लकी है मेरा नवासा माशाल्लाह। और दुआ कीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर कह दिया कीजिए। मैं भी अगर किसी के बच्चे की देखती हूँ वीडियो या बच्चे को देखती हूँ या उसकी चीज़ें देखती हूँ तो माशाल्लाह ज़रूर कहती हूँ। आप भी कह देंगे तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाएगा, हमेशा कहती इतना बड़ा हो गया। और बदले में दुआएं ही मिलती हैं, अगर आप किसी को दुआ देंगे किसी की खुशी में खुश होंगे तो अल्लाह ताला बदले में भी आपको बहुत कुछ नवाजेगा जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो आज का ब्लॉग एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है, डिफरेंट है ना। एक दिन वो स्नो पड़नी शुरू होगी, एक दिन जिया के साथ नहीं, एक दिन मेरे नवासे के साथ। आपसे बातें कर रही थी, मेन वाली ये स्नोफॉल शुरू हो गई है, पहले रुकी हुई थी, नज़र आ रही होगी होपफुली आपको। ये देखिए गिरते हुए बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है ना। ठंड तो है लेकिन अच्छा लग रहा है स्नो देख के। टेबल को मैं देख रही हूँ काफ़ी उस पर गंद नज़र आ रहा है। मेरी बेटी जो है ना बड़ी खपती है सफाई के मामले में, इसको भी सेट कर लेती हूँ और देखती हूँ कि लाइट ऑन करूँ या लाइट के बगैर ही काम चल जाएगा, इसलिए नहीं ऑन कर रही। मैंने कहा जाग ना जाए ना। और देखें जो बच्चों वाला घर होगा ना, हर तरफ आपको ना बच्चों की वो क्या कहते हैं कि मिलेंगे चीज़ें ना। अभी आपको दिखाती हूँ मैं, ये कर लिया, ये देखें ज़रा, ये देख लें आप। ये इसको कहीं और रखती हूँ। चले जी आज नानों के साथ साथ चीज़ें संभालती हैं, साथ साथ घर को थोड़ा सा होगा तो भी मेरे से इतना जितना होता है। मैंने कहा इनको किचन में रख देती हूँ ना, इनको ऐसे उधर पड़ी है तो कबर्ड में ही रख देती हूँ, ना रख देती हूँ कहीं भी रख देती है। ऐसी क्या बात है, आहिस्ता बोल रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हूँ। मेरा नवासा जाग ना जाए। आप जो नानियाँ दादियाँ बन चुकी है ना, मुझे बताइएगा कैसा लगता है। अच्छा लगता है ना, बच्चों से भी बच्चे प्यारे, मैंने सुना था, लेकिन अब माशाल्लाह से यही हाल है। देखिए माशाल्लाह से ऊपर का तो साफ़ हो चुका है, अब मैं नीचे से करती हूँ उनको साफ साइड से, और बहुत अच्छा हुआ है। ये देखिए ऐसी बात नहीं है, दूर नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। तो ये सारे काम नानों का ठीक है ना, मौके से फ़ायदा उठाते हुए साफ़ कर लिया मैंने। ये देखे वाइप से ही थोड़ी बहुत जो डस्ट थी, और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। ये जी हम इसी स्टैंड का, वो कपड़ों के स्टैंड का कुछ करती हूँ ना जी। कोई नहीं जी, मैंने नाना को नहीं ना नमाज अभी नहीं पढ़नी, जाग गया। थोड़ा सा होवर यहाँ से कर लेती हूँ, क्योंकि उधर कमरे से तो इसलिए नहीं चला सकती ना, लगा सकती कि सो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ से सफाई एंट्रेंस से कर लूँ। नानो अब ना डायपर चेंज करने लगी अपने बच्चे का, ठीक है। ये देखिए अभी देखें यहाँ पे लिटा के हमने बच्चे का डायपर चेंज, ये इसकी एक्सेसरीज पड़ी। अच्छा जी, अब हो गया मेरी नमाज का टाइम, आपको पीछे दिखाती हूँ, अगर क्लॉक नजर आए तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, टाइम दिखाती हूँ। अल्लाह करे नानो को इतना टाइम दे दे कि नानो नमाज पढ़ ले, सोया रही मेरा बच्चा। तो ठीक है फिर अब मैं नमाज़ पढ़ूंगी, अगर और क्लिप बनाए बिंदियाँ बिंदियाँ ये वो तो डाल दूंगी, नहीं तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अब मैं क्लिप्स डालूंगी उसमें ना, जितने भी बनाऊंगी, और ये मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और बताइएगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, एक दिन नानों के साथ तो कैसा लगा ये एक दिन नवासे के साथ, हैं दोनों तरह। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपका बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने नहीं किया काइंडली कर लीजिए, होपफुली आपको मायूसी नहीं होगी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, आपके प्यार की ज़रूरत है, आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरी एक यूट्यूब फैमिली है, मैं हमेशा कहती हूँ एक फैमिली मेरे घर में, एक आप सब हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।